शुरू करते हैं अपना कायदा और अपने कायदे में जो हम पढ़ाते हैं उसे सबक को आगे करते हैं। देखिए, हमने आप लोगों को जो सबक दिया था, मतलब आगे का जो सबक था हमारा, वो हमने बड़े शीन से ज़्यादा फा तक दिया था। तो ये बड़े शीन से और फा तक आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा और आप लोगों ने अब तक सीख लिया होगा। चलिए, हम आपको एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं, पढ़ा देते हैं दोबारा से। और हमने आप लोगों को जो सबक दिया था काफ से लेकर या तक था, और कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं, समझा देते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन सार ज़ार पा ज़ा आई गाई फा फा का लाम मीम नून वाय हा दो चश्मे हा लाम हमजा छोटी बन हमने आपको याद रखा और उम्मीद है कि आप लोगों ने याद किया है। शायद कुछ लोग उसे पढ़ना भी पसंद कर रहे हैं, कुछ नहीं, खैर कोई बात नहीं, जिन लोगों को दिलचस्पी है हम उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पाप गाफ लाम मीम नून वाव हा तो चश्मी हा लाम अलिफ हमजा छुटिया बढ़िया का गा लाम मीम नून वाव हा दो चश्मी हा लाम अलिफ हमजा छुटिया बढ़िया। तो फ्रेंड्स, हमने जो आज आप लोगों से बच्चों के बारे में बात की है, मेरा कहने का मतलब था बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें जैसा डाला जाए, जिधर से डाला जाए वैसे ही डल जाते हैं। इसलिए बड़े होने के बाद जो दिमाग होता है, चाहे वो बच्चों का हो या फिर बड़ों का, वो थोड़ा सा चारों तरफ टूट जाता है, वो एक तरफ नहीं रह जाता। तो हम मान लो कुरान हो, कुरान अगर हम बच्चे को बचपन में ही पढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मिलते हैं हम अगले सबक में, अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को शिवली मैडम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।